हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग सा यूनिक सा बन हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ, जो कि साड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड यूनिक सा दिखेगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा। छोटे बालों में भी बना लोगे तो मेरे बाल काफ़ी छोटे हो गए हैं अभी, तो छोटे बालों में आप साड़ी के लिए ये मैसी बन ट्राई जरूर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से जहाँ से आप अपना पफ बनाते हो आईब्रो का जो आर्च होता है यहाँ से हेयर को उठा लेना है। ओके, हेयर को उठा के ट्विस्ट करके आपको यहीं पे इसको सिक्योर कर देना है ताकि आपको हेयर स्टाइल बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लचर की मदद से, या फिर कल मैंने छोटू वाले क्लचर की मदद से 10 अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ और बहुत ही यूनिक बहुत ही स्टाइलिश हेयर स्टाइल हैं, बन हेयर स्टाइल हैं, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो इधर से मैंने हेयर को ले लिया, अब आपको यहाँ से भी इस तरीके से हेयर को लेना है। ओके, इस तरीके से लेना है और इसको भी सिक्योर कर देना है। ओके, अभी आपको बैक में अपने सारे हेयर्स को कॉम करना है। इस साइड का पूरा हेयर फ्लैट ले लेना है एकदम और एक पोनी बना लेनी है। ओके, इसमें आपको ज़्यादा डोनेट्स वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोनेट और बहुत अच्छे से आपका बहुत सुंदर सा बन बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो बाल काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं और ये छोटे से बाल पे ही मैं बहुत सुंदर सा आपको बन बताऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सारे बालों को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके हल्का हल्का सा खींच लेना है। ओके, जो हेयर निकल रहे हैं वो निकलने दीजिए, फिर छोटा सा लेयर लेना है बालों का और इस तरीके से खींचना है ताकि ये थोड़ा सा मैसी सा लुक दिखे और वॉल्यूम दिखे इसमें। अब सिंपली इसको लपेट के यू पिन से सेट कर देना है। ओके, यहाँ पे मैं यू पिन से सेट कर रही हूँ सारे बालों को, जहाँ से भी लेयर्स कटे हैं निकल रहे हैं उनको भी आप अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा। तो इस तरीके का बन आपका बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फ्रंट का हेयर था उसको ओपन कर लेना है, अच्छे से कॉम करना है, कॉम करके बैक साइड तक लेके जाना है और ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके जो आपका बन है उसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट देना है और इसको लपेट के यू पिन से सेट कर देना है। यू पिन, बॉबी क्लिप, जिसे भी करना हो आपको कर लीजिएगा। अभी साइड के हेयर को ओपन करना है, देन कॉम करना है और इसको भी ट्विस्ट करना है और बन के दूसरी साइड से लेके जाना है। जैसे आपने बीच वाला सेंटर वाला इस साइड से लेके आए थे तो इस साइड वाला आपको इस साइड से लेके जाना है और ऐसे ट्विस्ट करके बन के चारों तरफ लपेट के यू पिन से सेट कर देना है और आपका बन एकदम बन के रेडी हो चुका है। आप शादी में, पार्टी में, कहीं घूमने जा रहे हो या फिर शॉपिंग करने जा रहे हो तो भी आप ये बन बना के ईजिली मार्केट जा सकते हो। ओके, कहीं से भी लग रहा है कि आपका बन बिगड़ रहा है या फिर आपको थोड़ा सा लूज लग रहा है तो आप यू पिन या बॉबी क्लिप का यूज दोबारा से कर सकते हो अपने बन को टाइट करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरा बन थोड़ा सा लूज पड़ रहा है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यू पिन लूँगी और यहाँ पे इसको टाइट कर लूँगी और ये हमारा बन बन के रेडी हो चुका है। और कहीं से भी बेबी हेयर्स दिख रहे हैं तो आप हेयर स्प्रे का यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। हेयर स्प्रे की वीडियोज भी मैंने बहुत सारी डाली हैं तो आप वो जाके चेकआउट कर लेना। तो ये हमारा बन का फाइनल लुक है। वाह, फ्रंट से भी काफ़ी प्यारा दिख रहा है। तो ये हमारा बैक का लुक है और ये है फ्रंट का लुक। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो हेयर स्टाइल, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इस तरीके की अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।